अस्सलाम वालेकुम, मैं नाम है काजिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काजिम के पेज। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सर मैंने अभी मैं दो तीन दिन बाद जो है ना वो बना रहा हूँ वीडियो, तो उसकी एक वजह है जो है ना मैं समय जो है ना यहाँ घर पर था नहीं, मैं गया हुआ था लाहौर, इसकी वजह से जो है ना मैं पीछे कोई था नहीं वीडियो बनाने वाला, तो इसलिए जो है ना तीन दिन से जो है ना ब्लॉग आ नहीं रहे थे जो है ना। कल फिर रात को मैं वापस आया था, तो इसलिए आज जो है ना वीडियो मैं बना रहा हूँ और अभी जो है ना इन्होंने फिर लड़ना शुरू कर दिया है। ये जो हमारी मोल्टेड है ना, ये इनको अभी मैंने खोला है सील को ना, तो उसके साथ लड़ना शुरू हो गई थी दोबारा से। तो यार सर मैं ना लाहौर गया था, तो इसलिए जो है ना वीडियोज़ बना नहीं सका मैं, तो आपसे जो है ना कोशिश करूँगा कि रोज़ जो है ना वो मैं वीडियो जो है ना अपलोड करूँ। मैं अभी इनका जो है ना ख़त्म हुआ है खाना, वो जो कदन आता है ना मेरा, उसको मैंने कहा था कि रोज़ आके जो है ना इनको दाना वगैरह डाल देना, तो उसने वैसे डाला तो है लेकिन अभी जो है ना यहाँ पर वो रखा हुआ था तो ये सारा जो है ना नीचे गिरा पड़ा है। मैं कहा मैं यहाँ इस गट्टू से जो है ना, इन्होंने वो कह रहा था कि जो है ना ज़मीन पर गिरा दिया सारा खाना। और जाने से पहले जो है ना मैंने सारों को खोल दिया था, यहाँ पे जो ये हमारे गोल्डन बफ हैं और बाकी वहाँ पे असील बंद थे ना, उनको भी निकाल के मैंने अंदर ही भेज दिया था। मैंने कहा वो इस तरह आके जो है ना वो मुश्किल होगा उसके लिए, तो बारी बारी हर किसी को जो है ना खाना देना, इसलिए मैंने सारों को खोल दिया था ताकि जो है ना एक ही दफ़ा में जो है ना सारों को खाना मिल जाए। और मैं ये इनको तीन दिन बाद देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत ही जो है ना बड़े हो गए हैं यार सारे। कैसे हो तुम सारे यार, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं यार। ये तो देखें, ये जो एक है ये तो इन सबसे छोटा था असल में, ये तकरीबन दो तीन मंथ्स नहीं दो तीन वीक्स के बाद जो है ना ये वाला पैदा हुआ था, तो इसलिए ये थोड़ा छोटा है इनसे, बाकी सारे तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। वैसे इनको जो है ना खुला छोड़ भी सकते हैं हम जितने ये बड़े हो गए हैं, लेकिन ये वाला भी छोटा है, इसका ख़तरा है कि कोई इसको कौवा ना उठा के ले जाए या चील वगैरह। वो ये देखें मुर्गी के ऊपर चढ़ गया, लेकिन बाकी जो है ना माशाल्लाह से काफ़ी अब बड़े हो गए हैं और ये बिल्कुल जो है ना अपने बाप पे जा रहे हैं। वो अंदर खड़ा हुआ है, जैसे उसके ऊपर जो है ना इस तरह ब्लैक एंड वाइट की इस तरह लाइनें सी हैं ना, ये सारे जो है ना उसी पे जा रहे हैं उसी तरह की। हालाँकि इनकी माँ जो है ना वो वाइट कलर की थी, बीच में उस तरह वाइट कलर भी होना तो चाहिए था लेकिन ऐसे है नहीं, सारे जो है ना वो कुकू बैंटम पर जा रहे हैं कलर जो है इनका। और तो जो मेरा कदन है ना वो बता रहा था कि इन सारों ने जो है ना एग्स जो है ना वो दोबारा स्टार्ट करनी है, जो ये गोल्डन बफ हैं इन्होंने भी आज तो नहीं दिया लेकिन नीचे मैं देखा था एक दो अंडे इनके भी पड़े हुए थे, बाकी हमारी जो वो मोल्टेड है ना उसने भी अंडे दिए हैं और ये जो वाइट है ना स्नो हमारी इसने भी अंडा दिया, और ये देखिए कबूतरी ने भी अंडा दे दिया फाइनली। ये वाला जो है ना इनके पहले भी जो है ना वो असील ने आके जो है ना अंडे खा लिए थे, तो अभी ये देखें इन्होंने दोबारा से एक अंडा दिया हुआ है। वैसे ये हाँ कबूतर का ही है, अब मुर्गी का इतना छोटा तो नहीं होता। खैर चलो इसको जो है ये पता नहीं क्या लगा हुआ, इसको यहाँ रख देते हैं वापस। हाँ भी स्नो कैसी हो तुम, हैं सुना तुमने अंडे देना स्टार्ट कर दिए दोबारा से, वेरी गुड। और यहाँ पे हमारी कूड़क मुर्गी, इस पर तो कोई मुझे यकीन नहीं रहा कि इसने कोई बच्चे निकालने हैं, इसके नीचे अब दो अंडे रह गए थे जो पिछली दफ़ा जब मैं गया था, दो पड़े हुए तो हैं अभी। चलो करती रहो इनक्यूबेट जब तक तुम कर सकती हो, इनका जाना बहुत ही जर्नल, इसने सारे अंडे ज़ाया ही किए थे। ओए रैबिट, ये रैबिट को भी जो है ना मैं खोल गया था, मैंने कहा कि जो है ना बाहर ही घूमते रहें ये भी इनको। ये देखें एक रैबिट ये है और दूसरे वाला यहाँ तो नहीं है, दूसरा शायद जो है ना वहाँ पे कहीं छुपा हुआ होगा। ये भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया यार रैबिट, दूसरे वाला मैं देखता हूँ किधर गया है। ये बैठा हुआ है ये रेड है, इनको जो है ना अभी पकड़ के अंदर ही बंद करना है, इन्होंने भी काफ़ी दिन जो है ना बाहर सारे कर लिए हैं, उनका दोबारा से मैं उसी तरह बंद कर दूंगा अलग अलग। और ये जो कुकू है ना इसने जो मोल्टेड बेंटम थी ना उसको भी अपने साथ कर लिया है,
ये देखें, अब दोनों मुर्गियां जो ना इकट्ठी घूम रही हैं मोल्टेड के साथ, कुकू के साथ, और जो हमारा मोल्टेड बेंटम का जो मेल है वो ये बेचारा अकेला, ये बेचारा जो है ना यहाँ पे ऐसे अकेला घूम रहा है, इसके साथ कोई भी मुर्गी नहीं है। तो पहले भी जो है ना इसके लिए इसीलिए लेके आए थे कि अब ये काफ़ी बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो कहीं जो है ना ये डिप्रेशन में ना चला जाए। लेकिन अब वो ऐसा ही हुआ कि ना कि जब वो मुर्गी को मैं खोल के गया था ना, सारी मुर्गियों को इकट्ठा खोल दिया था, उसके बाद से फिर जो है ना वो मेरे सामने मोल्टेड के साथ जो है ना कुकू ही जो है ना फिरना शुरू हो गया। तो खैर अभी जो है ना यहाँ से मैंने वो उठा दिया था बाजरा जो यहाँ नीचे गिरा था, वो यहाँ से उठा के मैंने इन नसीलों को भी दे दिया, और वहाँ अंदर जो है ना अपनी जो ग्यूनोफॉल्स हैं उनको भी दे दिया। यार इन्होंने भी जो है ना काफ़ी अंडे कोई नहीं दिए, काफ़ी जो है ना अरसे से जो हमारी ग्यूनोफॉल है तो तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं। महीना पहले इन्होंने दिया था, एक ही अंडा दिया था, उसके बाद अच्छा वो जो है ना उसका वो जो पत्ता है ना इस दरख्त का वो ऐसे नीचे हुआ, सारे कबूतर डर गए। तो खैर वो मैं कह रहा था कि जो ना महीना पहले इन्होंने एक अंडा दिया था, उसके बाद से कोई अंडा ही नहीं दिया। उनका भी वैसे मैंने खाना दे दिया है और यहाँ पे ठीक है लेके जा रहा है, पता नहीं क्या पकड़ा वैसे ने अपने मुंह में। खैर यहाँ पे हमारी वो देती थी देसी मुर्गी जो है ना अंडा, लेकिन कोई भी यहाँ पे अंडा नहीं पड़ा हुआ, पता है इनको आदत पड़ गई है अंडे खाने की, इनमें से किसी पे वाकई जो है ना आदत है, तो वो जो भी कोई अंडा देता है ना वो जो है ना अंडा खा लेता, वो पता नहीं वो मुर्गी है। ओए ये देखें यहाँ पे 2 अंडे पड़े हुए हैं। ओए तुम किधर से आ रहे हो, ये देखें ये किसने दिए हैं, क्या गंद में अंडे दिए हुए हैं। ये तो किसी कबूतर का अंडा लग रहा है, इतना छोटा सा अंडा, ये तो देखें। ये दूसरा अंडा ये थोड़ा सा बड़ा सा, ये ज़रा इसका आप साइज़ चेक करें, ये लग वैसे मुर्गी का ही रहा है लेकिन इतना छोटा अंडा कौन देता है। ये देखें ये नॉर्मल अंडा है मुर्गी का, और ये देखें इतना छोटा सा अंडा, बिल्कुल कबूतर का अंडा लग रहा है ये, और पता नहीं ये इनमें से कौन सी वाली मुर्गी दे रही है अंडे, क्योंकि अक्सर जैसे मैंने आपको बताया था ना इनमें जो मुर्गी हैं ये पहली पहली दफ़ा जो है ना अंडे देना स्टार्ट हुई है, क्योंकि पहले तो ये चूजे थे, तो अभी जो है ना इनकी कोई 8-9 महीने जो है ना एज हुई है इनकी, तो अभी जो है ना ये अंडे देना स्टार्ट हुई हैं, तो हो सकता है पहला अंडा था तो इसलिए इतना छोटा सा अंडा दिया इसने साइज में। इसको तो खैर खा ही लेते हैं, इनमें से बच्चे निकालने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये 1.5 साल की जब हो जाएंगी ना तब इनके जो है ना फिर हम बच्चे निकलवाएंगे इनसे, अभी क्योंकि इनका पहला क्लच है तो अभी बच्चे जो है ना वो कमज़ोर पैदा होंगे, तो इसलिए अभी इनसे इनके अंडों में से जो है ना बच्चे भी निकलवाने। अभी यहाँ पे मैं जो है ना दिखाता हूँ, ये जो हमारे कबूतर ने अंडा दिया है ना इसके साथ, ये भी देखें मैं मैच करके दिखाता हूँ, ये वाला तो हो गया ना मुर्गी का अंडा, इसको इधर रखते हैं, और ये देखें ये कबूतर का अंडा, ये देखें सेम यार, ये तो बिल्कुल सेम साइज है इनका। और तुम क्या देख रही हो, वो देख रही है भाई ये किसके अंडे हैं, ये देखें इतने, अब बिल्कुल इसमें जो है ना बस वो इसकी जो ऊपर शेल है ना वाइट कलर का उससे पता चल रहा है, आप लोगों को पता नहीं वीडियो में पता चल रहा हो कि नहीं, लेकिन जो है ना ये कबूतर का अंडा बिल्कुल वाइट सा, ये थोड़ा हल्का सा जो है ना क्रीम सा कलर है इसका, लेकिन बहुत ही जो है ना ये सेम साइज के ऐसे लग रहा है जैसे कबूतर का ही अंडा है। तो इसको उठा के रख देते हैं यहाँ पे अंदर, और ये जो है ना यार ये वैसे कबूतर का साइज बिल्कुल कबूतर जैसा है, लेकिन अब कबूतर का ना ये हो नहीं सकता क्योंकि अंदर जो है ना कोई भी कबूतर ऐसे खुला नहीं है, या तो कोई अंदर अगर पैर होता तो फिर हो सकता था कि उन्होंने ऐसे अंडा दे दिया, लेकिन कोई भी कबूतर जो है ना अंदर नहीं है, वो जो हमारे सेंटिनल्स हैं उनको भी मैंने यहाँ बाहर ही खोल दिया था, तो सारे कबूतर जो है ना वो यहाँ पे ही बैठे हुए हैं बाहर खुले हुए हैं, अंदर कोई भी जो है ना कबूतर नहीं है, तो ये फिर जो है ना किसी मुर्गी का ही अंडा है लेकिन बहुत छोटा। यार गर्मी जो है ना वो वैसे की वैसी है, लाहौर में जो है ना वो भी ऐसे ही था, दिन में जो है ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, रातें और सुबह का टाइम जो है ना वो ठंडा था, लेकिन भाई वापस आके यहाँ पे बहुत ही जो है ना तेज़ धूप निकली हुई है वैसे की वैसी, पसीना वैसे ही आ रहा है, पता नहीं यार क्या सितंबर का मौसम महीना जो है ना वो ऐसे ही रहना है मौसम पूरा, दिन में जो है वो गर्मी होगी और हो सकता है रातें जो है ना वो ठंडी हो जाए। ये जो है ना अभी अंडे यहाँ रख देते हैं, जाते हुए मैं ले जाऊँगा इसको,
खा लेंगे जाके। ये हमारी प्यारी प्यारी जो डक्स हैं, ये भी यहीं पे घूम रही हैं, इनको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ भी कैसी हो तुम? या चलो, ये इसकी पागल हो जाती है यार, पता नहीं क्यों। और ये छोटी वाली जो है ये भी ऐसी है, और मुझे लगता है कि जो है ना ये सारी की सारी या तो फीमेल हैं, क्योंकि जो मेल होता है ना उसके जो मुंह होता है ना उस पर ये रेड रेड जो है ना ये ज़्यादा होता है, इनका जो है ना थोड़ा सा है, तो हो सकता है ये फीमेल ही हों। यार ये तो बड़ी होंगी तो फिर पता चलेगा कि ये इनका जेंडर क्या है। तभी तो मैं जो है ना यहाँ पर इनका पानी चेंज होने वाला था, ये भी अंदर से साफ करता हूँ, जो है ना नया पानी भरता हूँ इसमें। तो अभी जो है ना इनको, ये जो हमारे चूज़े हैं और असील, इनको तो जो है ना अंदर बंद करते हैं हम दोबारा से, क्योंकि फिर अभी बाकियों को तो जो है ना वो खाना और पानी मैंने दे दिया था, वहाँ पे भी दोबारा रिफिल जो है ना कर दिया है, और छत पे भी जो है ना सारा मैंने लगा दिया, तो अब थोड़ा मौसम जो है ना ठीक ही रहेगा। और यार ये सामने जो है ना काम हो रहा है, वो इतना शोर आ रहा है पीछे से, लकड़ी का कोई काम कर रहे हैं वो लोग, अलमारियाँ बनवा रहे हैं क्या, तो उसका जो है ना काफ़ी जो है ना शोर आ रहा है। पता नहीं वीडियो में आवाज़ मेरे ख्याल में सही आ ही रही होगी आप लोगों को मेरी। खैर जो है ना इनको जल्दी जल्दी खाना दे देते हैं चूज़ों को, इनकी फीड। ये लो जी, जाओ अंदर, जाओ अंदर, जाओ तुम भी। और पानी इनका जो है ना मैंने डाल दिया था, और इनको यहाँ से कर देते हैं बाकी से बंद। और ये कौवे जो है ना ये यहीं पे बड़ा ढीठ कौवा है, ये यहीं पे आके बैठा रहता है और हमारे जो पिजन है ना उनको परेशान करता रहता है। खैर तो हाँ, ये ग्यूनो फॉल जो है ना उनका पानी देना था अभी मैंने, ये जो है ना इनको मैं दे दूंगा, ये जो पड़ा हुआ है ये हमारे ग्यूनो फॉल के लिए है। मैं जो है ना कोशिश करूँगा कि जो है ना रोज़ ही वीडियो बनाऊँ, लेकिन हो सकता है मुझे जो है ना कल परसों दोबारा लाहौर जाना पड़े किसी काम से, तो फिर हो सकता है कोशिश करूंगा कि जो है ना वीडियो बना सकूं, और अगर ना बनाई तो फिर हो सकता है दो तीन बार दोबारा से जो है ना, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक से जो है ना वो ट्राई करूंगा कि जो है ना रोज़ की रोज़ जो है ना वो व्लॉग अपलोड किया करूं। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दें लाइक, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।